अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है और सब कैसे हैं? आई होप कि तुसी सब चंगे होगे। अज मैं तुहानू दिखाण लगी वां प्रेशर कुकर, ए जे कि मैं इंडियन बाजार तो लीता सी, ठीक है? डोंट कुक इन दैट, इट्स सो वियर्ड। ओके चुप कर। ते अच्छा, ये मैंने $30 का लिया था, पीछे हटो, $30 का लीता सी, ठीक है? और अभी पीछे हटो यार, लाइट ऑन करो प्लीज। कंजूस लोग लाइट भी। ओके ओके, ब्रीथ। अच्छा, इसके ऊपर ये रबड़ है ना, इसके ऊपर ये लगी हुई है, ठीक है? और इसको मैंने वॉश कर लिया था, है तो नया था, बिल्कुल नया है, बिल्कुल सॉरी। तो $30 का लिया था। नॉर्मली ये आता है, क्या कहते हैं, 50, 60, 70 डॉलर का, लेकिन ये 3 पाउंड प्लस है, ठीक है? वैसे छोटा लग रहा है लेकिन है बहुत ही ये धमाका, ठीक है? जितनी को मेरी फैमिली है उस हिसाब से, ठीक है? अच्छा, आज मैंने सोचा प्रेशर है, आज मैंने पता नहीं कौन सी दाल, ये चने की दाल तो नहीं लग रही, ये मुझे कोई दाल है और ये कोई और दाल है, ये दोनों दालों को बहनों को मैंने मिक्स कर दिया। मैं क्या आज करनी है टेस्ट है दे बेच, ठीक है? टाइम हो रहा है 8:10 का, तो आज मैं करने लगी हूँ कुकर के अंदर खाना पकाने लगी हूँ। अगर आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जहमत कर लें, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कर दें। ठहरो यार एक सेकंड, मैं आपको कैमरा लेके आती हूँ। अगर तो आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये तब के सोफे अभी तक फेंकने गए क्योंकि कोई फेंकने वाला मिल नहीं रहा और हम इसको यहाँ पे बाहर छोड़ नहीं सकते, ठीक है? एनीवे मैम, अगर आप लोग चैनल के अंदर नए हो तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दिया तो शेयर करें। फिर मैंने सोचा कि डेली, अब मैंने अब कुछ ग्रुप से भी ओपिनियन ली कि मुझे किस तरह की व्लॉगिंग करनी चाहिए। आए हाय 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 हाय। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ था, मैं अभी शावर लेकर आई थी, नमाज पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी मैंने खांगी नहीं की इसलिए बाल गीले हैं सर। मैं कह दाल जरा हम चुरा लें और इसको चढ़ाने के बाद फिर हम देखते हैं कि इसका क्या रद्दअमल होता है, ठीक है? और और ये दाल के वो मेरे दोस्त है इंडियन, उसने कहा था दाल पकाओ तो 2 सीटियां आते, ए पकाओ तो 3 सीटियां, ओ पकाओ तो 4 सीटियां, उन इनू पकाने दे कितनी सीटियां मारनी है आई डोंट नो, ट्राई करते हैं। अच्छा जनाब, अब मैं इसको करने लगी हूँ इसके अंदर, अब यह नमक मिर्ची वाला सीन डालो अभी इधर एक सेकंड। अच्छा जी, आज मैं पानी की वहाँ दाल होने दे बीच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि मुझे बहुत अभी पीछे करके डालो ना, कि तुमने भी फोन कैमरे के अंदर इसके अंदर डाल देना, पीछे करके रखो। हाँ ओके जनाब, अभी सोच रहे होंगे कि ये पतीली इतनी गंदी क्यों लग रही है, क्योंकि मैं मांझती नहीं हूँ, सॉरी, बिकॉज हम मांझने के लिए कैनेडा नहीं आए, हम मांझने के लिए कैनेडा नहीं आए, ठीक है? ये है यहाँ पे थोड़ा सा डार्क। अभी मुझे एक सेकंड ये नमक डालेंगे, ये डब्बा भी रिफिल करने वाला है, दाल नमक ज्यादा ना डाल जाए, वैसे भी दाल के अंदर हमेशा नमक ज्यादा डाल दिया करें, पानी डाल के आप 3 दिन 2 दिन खा सकते हैं, ठीक है? वरना दाल आपकी 1 दिन ही जाएगी, तो ये ट्रिक है, ठीक है? और अभी मुझे इसको रिफिल करना पड़ेगा यार, डब्बिया मतलब कि पैकेट जो काट के भरना पड़ेगा। खैर की छोटो यार, क्या सोच रहे पूछ रहे मैं करी हूँ, इसके अंदर सूटने के बाद हम डालेंगे पानी। Comment down below if you guys start sneezing when chili and stuff happens. अच्छा अभी अब अदरक लहसुन वाला निकालो पेस्ट, जल्दी करो। अच्छा मैंने ये सूटा हुआ है, ठीक है? अब मैंने इसके अंदर पता नहीं मुझे कितना पानी डालना है, आई डोंट नो यार, मैं बस अपना तुक्का ही मार रही हूँ, ठीक है? आई मेरा हाथ मर गया, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कितना डालना है, ये प्रेशर कुकर का कैसा आपको दाब है, और मैं आपके साथ साथ दिखाती रहूँगी कि अल्लाह खैर करे और ये पक जाए बस, ठीक है? पता नहीं इतना काफ़ी है, ठीक है? देखती हूँ मैं, ठीक है? आज मैं चावल भी इसी के अंदर ही पकाऊंगी। अच्छा जनाब, अब मैं इसको करने लगी हूँ बंद, यार बिस्मिल्लाह बल्कि मुझे मुझे नहीं आइडिया कि इसको कैसे करना है, बस इसको उसने कहा था ऐसे रखना और यहाँ से लॉक लगाना है, इधर पीछे करना भैया ये लॉक, इसको नीचे से दबाना है, नीचे करो, ये जो ना ये लॉक लग गया, ठीक है? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता, और मैं धक धक भी दिल Then don't do it. Do it in the... अच्छा जी, 8-9 सीटियों के बाद इसका तो ये बेचारे का हाल बुरा हाल हो गया यार। फिर मैंने अपनी एक दोस्त है उसको फोन किया, इंडियन है, मैंने कहा भाई मुझे बताओ इसका क्या करूं, इसके अंदर तो शोरबा निकल रहा है, कहती है वो कुछ नहीं आपने पानी ज्यादा डाल दिया। मैं कहा बीबी जब तक ये बंद नहीं होता ना ये फोन पे रहना, मैं जब तक ये अभी मैंने अभी उसका फोन बंद किया है, तो मैं कहा चलो भाई इसको जरा रिकॉर्ड कर दिया जाए, मैंने कहा जरा रिकॉर्ड करके मैं भेजती हूँ, ठीक है? लेट्स सी, अब मैं इसका क्या करती हूँ,
यार लिटरली इस दाल ने मेरा इतना को ये तरह निकाल के रखा हुआ ना। लेट्स सी, उसने ये भी बोला था कि अगर एयर होगी ना तो खुलेगा नहीं ढक्कन। लेट्स सी, क्योंकि एयर तो मैंने आपके सामने निकाली है। बिस्मिल्लाह हाँ ये देखो निकल, हाँ निकला। अब ये इधर आना जरा एक सेकंड यार, इसको जरा दिखाओ जरा हाँ क्या हुआ है। ईशा इधर आओ जरा, इसको पकड़ो। ईशा नहीं पकीजा, इसका नाम हमने पकीजा रखा। पकीजा इसको पकड़ो, ओके ऐसे रखना ठीक है। उसने कहा था ओके, ये तो ज्यादा वाकई पानी क्या शोरबा बन गया ठीक है। एनीवे जो गुड़ना था वो गुर गया, जो रोना था। चलो मैं इसको पकाती हूँ, इसको थोड़ा सा, फिर मुझे लगता है कि फिर मुझे इसके अंदर आगे करो आगे। अच्छा मैंने अभी इसको दोबारा मैंने प्रेशर बंद किया है और मैंने अपनी दोस्त को फोन पे लेकर ही मैंने दिखाया। मैं कहा बहन बताओ अब क्या करूँ, कहती एक तो और सीटी करवा लें, सीटियाँ करा लो भैया ने जी, सीटियाँ बजा बजा के साढ़े तरह निकले पे ने। आज इस दाल को मैंने ऐसे इसलिए ब्लॉग में शेयर किया क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ऑफिशियली ये क्या कहते हैं प्रेशर कुकर इस्तेमाल करने का ये है। तो बस फिर मैं लिटरली जब से दाल पक रही है मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठी हूँ क्योंकि मुझे था कि मैं खड़ी होके इसको पकाऊं, पहला एक्सपीरियंस, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कुछ हो। अच्छा गाइस ये चावल जो थे आज, हमको लग रहा है कि आज हमारा कुछ अच्छा दिन भी है और बुरा दिन भी है। अब्बा जी चावल नहीं, ये चावल के अंदर में कुछ और बन रहा है, पता नहीं ये चावल मैं न्यू लेकर आई हूँ यार। अब मैं चावल की ब्रांड तो नहीं दिखाना चाहती हूँ, चलो दिखा देती ताकि आप लोग ना ही लें, तुम्हें भी तजर्बा हो ही जाए। आए हाय ये चावल फट बैग फट गया था, क्या नाम है इनका, GHALAK, झलक झलक चावल का नतीजा ये निकला है। और झलक बाजी को मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा पानी तो फिर मैं इंशाल्लाह दिखाती हूँ। यार मुझे लग रहा है कि चावल भी आ जैसे हैं। इसको मैंने अभी साफ़ नहीं किया क्योंकि मुझे लोगों को पिक्चर लेनी नहीं, इसलिए मैंने अभी तो गंद में रखा हुआ है ठीक है। चलो मैं साफ करके फिर चावल में पानी डालती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। जनाब हमने कुछ इसके अंदर सूटी है मिर्चें, मिर्चों को तड़का लगाएंगे हम इधर बीच। अभी सोच रहे हिना किसके अंदर शुगर लड़की जिसको कहते हैं ना, मैं बिल्कुल भी वैसे नहीं हूँ, 100% बिल्कुल भी नहीं हूँ ठीक है। तो मैं अपनी तरह बिल्कुल भी नहीं करूँगी, आप अगर आप एक्स्ट्रा मेरे लिए सोच रहे हैं तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं ठीक है। मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैंने अगर तड़का लगाना है मैं चाहते पतीले के बीच में पड़ दूँगी ठीक है, लाइक कर लूँगी। लोग कहते हैं कि नहीं उसमें फिर स्मेल आती है, हमें मैं कहती हूँ खाने से मतलब है ठीक है। अगर आपके पास सांस नहीं रहती ना तो फिर तुम भावें चार पतीले के बीच चौल पका लो, दाल पका लो, जो मर्जी पका लो, जब आपके पास सासूमा है तो फिर आप थोड़ी तहजीब और तहमीज़ तो बोलने में नहीं देता, फिर थोड़ी सी तहजीब और तमीज के साथ फिर खाना बनाएं क्योंकि फिर आपको बातें सुनने का मौका कम मिलेगा। तो आज ये हमारा शेरू प्रेशर कुकर के अंदर आज हमने बनाई है दाल। अब अपनी राय जरूर शेयर करें कि मुझे नेक्स्ट वीडियोस कैसे बनानी चाहिए कैसे नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि मैं अगर लोग कहेंगे ना डेली ब्लॉगिंग नहीं होगी तो ये होगा। देखिए तीन टाइम रोटियां पकाने वाली औरतें अगर थोड़ी सी वीडियो नहीं बना सकती हो ही नहीं सकता ठीक है। तो फिर मेरे पास ऑलरेडी सैलेड कटा हुआ है तो मैं इसके साथ सैलेड खाऊंगी और चटनी भी मेरे पास पड़ी है, मैं उसके साथ वो चटनी लूंगी। प्लेट बना के आपको दिखाई देती हूँ, मैंने तुझे कहोगी अभी बोली जाती है ठीक है, दिखानी थानू फिर। ये जनाब ये है दाल और ये है मेरे थोड़ी सी सैलेड और ये है मेरी ग्रीन चटनी और ये है मेरा आज का खाना ठीक है। अब ये मत सोचे कि कल मैं क्या पकाऊंगी क्या शेयर करूंगी, मैं कुकिंग व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं करने वाली यार, मुझे लगता है कुछ एक्स्ट्रा मेहनत है। और जो लोग कुकिंग व्लॉगिंग करते हैं ना यार, मेरे लिए तो मैं सलूट करती हूँ दोनों हाथों से, क्योंकि चीज़ों को दिखाना मिनट मिनट में, हम तड़का लग गया जे हूँ अदे बच्चे पानी पान लग गया, बहुत बड़ा काम लग गया। डेली व्लॉग आ सकते हैं मतलब कि घर की सफाई, बच्चों के साथ फन, और आप कहाँ जा रहे हैं ये भी देखें। इसलिए नहीं मैं करना चाहती क्योंकि मुझे पता है मुझे इतना हिस्सा दिखाना चाहिए था प्रोफेशनली, बट मैं ये भी दिखा रही हूँ क्योंकि ये आ रहा है, अब मैं इसको कहाँ तक छुपाऊँ। तो ये चीज़ें वापस रखने वाली है, क्योंकि देखें ना ये चीज़ें प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, जो प्रोफेशनल जिनको ऑर्गेनाइज करना आता है, बिल्कुल मैं तो बिल्कुल उनमें एक नहीं आती, अपने किसी भी नंबर में नहीं आती हूँ। सो ठीक है मैं आज का जो व्लॉग है मेरा है बट ये इस प्रेशर को शो करना कि आज मैंने फर्स्ट टाइम प्रेशर कुकर यूज़ किया, दैट्स इट। आई होप आपको एंजॉय किया होएगा, तो लाइक शेयर कमेंट कर देना ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, पीस।